धनबाद एसएसपी एचपी जनार्दनन ने सभी डीएसपी सर्कल इंस्पेक्टर थाना ओपी प्रभारियों के साथ पलहा क्राइम मीटिंग की। सिटी ग्रामीण एसपी अजीत कुमार कपिल चौधरी भी मीटिंग में उपस्थित रहे। एसएसपी ने सोशल पुलिसिंग करने के साथ क्षेत्र में विधि व्यवस्था, लंबित मामलों को जल्द निष्पादन करने का निर्देश दिया। 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर विशेष गश्ती नजर रखने की भी हिदायत थाना प्रभारी ओपी प्रभारी को दिए गए। एसएसपी ने कहा कि यह उनका पहला क्राइम मीटिंग है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए इलेक्शन कमीशन ने जो निर्देश दिया है उस पर चर्चा की गई। साथ ही साथ सभी थाना अध्यक्षों को निर्देश दिया गया कि पब्लिक के साथ संबंध अच्छा रखने का प्रयास करें, केसों का निष्पादन शीघ्र करें। 22 जनवरी को जो अयोध्या में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होना है उसको लेकर पुलिस अलर्ट मोड में रहे। उपद्रवियों पर 107 की कार्रवाई सुनिश्चित करें। थाना में सीसीटीवी और सुझाव शिकायत पेटी को लगाएं। आज पहला क्राइम मीटिंग था जी। इसमें पिछले एक साल में धनबाद जिला का द्वारा जो भी कार्रवाई किया है उसका रिव्यू किया गया और जहाँ जहाँ कुछ कुछ कमियाँ देखा, कमियाँ को दूर करने के लिए लोगों को निर्देश दिया गया। साथ में अभी आगामी चुनाव को लेकर भी जो भी निर्देश इलेक्शन कमीशन के द्वारा दिया गया है उसका अनुपालन के लिए थाना प्रभारी लोगों को निर्देश दे दिया। और 22 तारीख को हमारा अयोध्या में राम मंदिर का प्रतिष्ठान भी होने वाला है, उसी को लेकर भी अलर्ट रहने के लिए, उसके साथ साथ जो असामाजिक तत्वों को चिन्हित करते हैं उन लोगों के ऊपर 107 की कार्रवाई और प्रिवेंटिव एक्शन करने का निर्देश दिया गया। कि हम लोग हर थाना में विजिटर रजिस्टर, उसके साथ साथ ट्रेनिंग रजिस्टर, जन सहयोग समिति का एक रजिस्टर, कंप्लेंट बॉक्स और सीसीटीवी लगाने का निर्देश थाना प्रभारी को दिया है। धीरे धीरे हर थाना में इसका काम हो रहा है। कुछ थाना में सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा है, वहाँ पर लगाने का काम अभी चल रहा है। अभी धनबाद पुलिस का ही कोशिश होगा कि हम लोग अपना पुलिसिंग को थोड़ा पब्लिक फ्रेंडली बना देंगे, उसके साथ साथ पुलिस को थोड़ा रिस्पॉन्सिबल बनाना वो ज़रूरी है, उसी के लिए हम लोग ये काम कर रहा है। मेरा पूरा यकीन है कि अगला 2-3 महीने में धनबाद पुलिस का एक नया चेहरा यहाँ पब्लिक को देखने को मिलेगा। सहयोग समिति भी एक बना रहा है, उसके साथ साथ पब्लिक को कभी कभी पुलिस के प्रति कुछ कुछ शिकायतें रहता है जो सीधा आके हम लोगों को बताना नहीं चाह रहा है, चाहे जो भी कारण हो, ऐसे लोगों को अपना शिकायत देने के लिए एक जन शिकायत पेटी भी हम लोग थाने में रखे। खाली शिकायत पेटी नहीं है, एक सुझाव का भी पेटी है। आपको अगर पुलिस का काम को थोड़ा दुरुस्त करने के लिए किसी तरीके का सुझाव आपको देना है, वो सुझाव भी उस पेटी के थ्रू हम लोगों को दे सकते हैं।